हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 11 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, 11 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दांतों की कमजोरी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दांतों की कमजोरी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। अगर हम विटामिन डी की अगर हम बात करें तो कि विटामिन डी जो ये मजबूत और स्वस्थ दांतों को बढ़ावा देते हैं, इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन हो सकती है। शरीर में इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आप खाने में कई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि फैटी हुआ, फिश हुआ, अंडे की जर्दी, गाजर और दूध। कैल्शियम की कमी के कारण आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। कैल्शियम की कमी के कारण भी दांत आपके कमज़ोर हो सकते हैं। ये मशरूमों की सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त फूड्स शामिल करने चाहिए, जिसमें शरीर में इस विटामिन की पूर्ति हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। बात करेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 1816 के बीच हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। युद्ध ने गोरखा साम्राज्य के उदय और नेपाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को मजबूत किया। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। देखिए, उन्होंने 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उनके कार्यकाल के दौरान गोरखा युद्ध, एंग्लो नेपाली और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान में फैक्ट रखना है, ठीक है। दूसरी बात की अगर पूछा जाए कि सेंसरशिप एक्ट को किसने ख़त्म किया, तो सेंसरशिप एक्ट को लॉर्ड हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उन्हें 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आज पूछा गया था कि ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स किस कंपनी ने शुरू किया था। तो ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम अमेजन इंडिया ने शुरू किया था। इसके बारे में जान लीजिए, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने मंगलवार को भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान CS शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग AFE शुरू करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 2008 में सत्रिया नृत्य के लिए रंगमंच किसने बनाया। तो 2008 में सत्रिया नृत्य के लिए रंगमंच सत्रिया केंद्र गुवाहाटी ने बनाया। तो सत्रिया नृत्य के बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए, सत्रिया की उत्पत्ति सत्रा मठ से हुई है, यह आपको ध्यान रखना है, जो असम में श्रीमत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए थे। नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में था। उन्होंने एक शरण नाम धर्म, एक ईश्वर के नाम का जप समर्पित किया। यह आपको ध्यान रखना है। ये 15वीं शताब्दी में आया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, सॉरी 12 मार्च 1930 को। डेट तो मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध दांडी मार्च 1930 में हुआ था, ठीक है। तो ये डेट जो है आपके बिल्कुल क्लियर है, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक
विरोधी, दांडी मार्च 1930 या दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। दांडी मार्च 1930 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक चलने वाले ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर विरोध था। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से राज्य के तट पर स्थित दांडी गांव तक ऐतिहासिक दांडी मार्च 1930 का नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च में हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये वर्ष 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। गांधी ने आश्रम के 18 अन्य सदस्यों के साथ पैदल साबरमती आश्रम छोड़ दिया। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के लिए भारतीय लोगों के अस्वीकार का प्रतीक था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना सभा की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। तो 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा के श्री थरलू ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए, गोवा के कुछ सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य हैं जैसे कि घोड़े मुदनी, धनगर नृत्य, गोफ तलगड़ी, शिगमो और मुसेल खेल, फुगड़ी आदि। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो माछ है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। फगुआ झारखंड बिहार का लोक नृत्य है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला 1.1 करोड़ की आबादी के साथ 2011 की जनगणना में ठाणे था। तो ठाणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर 24 परगना 1.08 करोड़ की आबादी के साथ भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला था। परगना दूसरे नंबर पर था। ये 7948 की आबादी के साथ अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला अजाव है जो अरुणाचल प्रदेश में भी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 2011 की जनगणना में इसकी आबादी करीब 21,089 थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 17.70% की वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में पिछले दशक में 21.5% की तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई। इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई यानी 25.4%, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। क्यों होगा ये भी जान लीजिए, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा आप लोग। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दशानन दिया है, दशानन, इसका समास क्या होगा, दश आनन है जिनके, यानी कि रावण यह प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। तो यह हो जाएगा बहुप्रिय समास पीताम्बर, यानी कि पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। जैसे कि नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, भगवान शिव। तो बहुप्रिय समास को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी। तो बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे। स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था।
उसने दाग, घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों की वर्णात्मक भूमिका की प्रणाली शुरू की। बाजार आर्थिक सुधार में देखिए, अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया। सभी वस्तुओं की लागत तय की। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए गए। सराय से कहा जाता है सराय आदि। उसने दीवानी ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IIFC की स्थापना कब हुई थी। तो IIFC की स्थापना 5 जनवरी 2006 को हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 5 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के निकट है। तो भारत का इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये पश्चिमी घाट में त्रिवंग पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र और गोवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र और गोवा में महिलाओं के द्वारा फुगड़ी नृत्य किया जाता है। देखिए, फुगड़ी जो है ये कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल हैं। नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।